टाइटन पनडुब्बी के विस्फोट का बड़ा खुलासा। दुनिया भर के एक्सपर्ट ने खोले बड़े राज। 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखना पड़ा भारी। समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच ने ले ली उनकी जान। अमेरिका और कनाडा की नौसेना ने खोज डाला समुद्र का कोना कोना। आज सच कहूं बात करेगा इस चौंकाने वाले मुद्दे पर। टाइटन पनडुब्बी के डूबने से दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग टाइटन पनडुब्बी से 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे थे। कुछ दिनों पहले जब ये टाइटन पनडुब्बी लापता हुई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया, क्योंकि इसमें सवार 5 लोग कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि दुनिया के अरबपति लोग थे। इसलिए जब ये खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया के लिए ये सर्च का विषय बन गया। अब खबर आती है कि टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के पास से मिल चुका है। इस मलबे को कनाडा की रिमोट से ऑपरेट होने वाली यूएवी से बरामद किया गया है। वहीं इसकी पुष्टि टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी कर दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये हादसा आखिरकार हुआ कैसे, कैसे ये टाइटन पनडुब्बी समुन्द्र में जा समाई। दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि टाइटन पनडुब्बी के डूबने का सबसे बड़ा कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है। इसी की वजह से टाइटन पनडुब्बी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उसने काम करना बंद कर दिया और वह इतने बुरी तरह से डैमेज हुई कि वहीं टाइटैनिक के पास ही डूब गई। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ये कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन होता क्या है। दरअसल कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन एक प्रक्रिया है और ये तब होती है जब किसी पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इतना ज्यादा दबाव बन जाए कि वो बुरी तरह से डैमेज हो जाए और फिर काम करना बंद कर दे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी स्थिति तब बनती है जब किसी एक सीमित जगह पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनने लगता है और पनडुब्बी में उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रहती, तो इसकी वजह से अंदरूनी विस्फोट हो जाता है और इससे पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये 5 अरबपति जिस टाइटन पनडुब्बी में सवार थे उसकी क्षमता 4000 मीटर तक की थी, जबकि इस टाइटन पनडुब्बी पर दबाव इससे ज्यादा था। टाइटन पनडुब्बी की कंपनी का कहना है कि जब इन लोगों से संपर्क टूटा तो तुरंत सर्च अभियान चलाया गया, अमेरिका और कनाडा की नौसेना लगाई गई, लेकिन 4 दिनों तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं कंपनी का दावा था कि टाइटन पनडुब्बी में संपर्क टूटने के बाद से 96 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद है। हालांकि ये कितना सच है और कितना झूठ है ये अभी जाँच का विषय है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये 4 से 5 हजार पौंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंत विस्फोट का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि ये विस्फोट मिली सेकेंड के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो सकता है और इस दौरान यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिलता। खैर इस मामले में आगे और क्या खुलासे होंगे ये तो जांच रिपोर्ट में ही सामने आएगा, लेकिन ये सच सामने आ चुका है कि इसमें 5 अरबपतियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में वही हमारे दर्शक अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके वो भी जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सच कहूं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।